डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महाविद्यालय शिक्षक संघ यानी ऑटा ने विश्वविद्यालय की चल रही परीक्षाओं में बड़ी धांधली होने का आरोप लगाया है। ऑटा का कहना है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और मोटी रकम लेकर एक ही प्रबंध तंत्र के कई विद्यालयों में आपस में परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं, जिसके लिए उन्होंने खंडारी परिसर के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी ऑटा ने विश्वविद्यालय की चल रही परीक्षाओं में बनाए गए नोडल केंद्रों और परीक्षा केंद्रों में भारी लेन देन किए जाने के आरोप लगाए हैं। ऑटा का कहना है कि परीक्षा केंद्र बनाए जाने में नियमों को ताक पर रखकर मनमानी तरीके से केंद्र बनाए गए हैं। नियम के अनुसार एक ही प्रबंध तंत्र के कई कॉलेजों में परीक्षा केंद्र आपस में नहीं बनाए जा सकते, जबकि एटा कासगंज क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर एक ही प्रबंध तंत्र के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों को एक दूसरे कॉलेज में भेजा गया है। ऑटा ने इस धांधली के लिए परीक्षा केंद्र बनाए जाने का कार्य देख रहे विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर के एक प्रोफेसर डॉक्टर संजीव सिंह पर संगीन आरोप लगाए हैं। ऑटा ने एटा कासगंज क्षेत्र के 5 ऐसे मामलों की जानकारी से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराया है, जहां पर एक ही प्रबंध तंत्र के महाविद्यालयों में छात्रों को आपस में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर राजभवन तक जानकारी भेज रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना होने पाए। वहीं ऑटा पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से भी मुलाकात की और विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने गंभीरता से उनके सभी मामलों की जानकारी ली है और विस्तार पूर्वक यह व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जल्द ही एक रूपरेखा तैयार करने का आश्वासन दिया है। की कमेटी है, मैं तो यहाँ तक कहूँ सारे लोग इन्वॉल्व हैं और बिना मतलब भ्रष्टाचार के काम नहीं होगा। इसमें भ्रष्टाचार 100% है और इसकी पुष्टि की जरूरत नहीं। दोनों जो उन्होंने पहले एक टेन टीम निकाली थी, उसके बाद फाइनल लिस्ट निकाली है, दोनों का कंपैरिजन वो स्वयं ही कर लें, स्वयं ही मंथन कर लें, हमको कहने की जरूरत नहीं। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं। और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ विश्वविद्यालय, और जब तक इस भ्रष्टाचार के अड्डे को खत्म नहीं करते ओटा शांति नहीं। तो आज तो आपने मुलाकात करी होगी मंत्री से मुलाकात करी, मंत्री जी को हिंट दिया है जी। और मंत्री जी थोड़ा स्वागत समारोह से फ्री होंगे, ध्यान देंगे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि थोड़ा सा समय दीजिए, हम तुरंत इस पर